ताइवान से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज, ताइवान पर चीन को पाकिस्तान का समर्थन मिला है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में है और पाकिस्तान जो कि चीन का पिट्ठू है उसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती कि चीन का समर्थन कर रहा है, वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसमें चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है, कर्ज देता है, उसके रहमो करम पर है, लिहाजा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चीन का समर्थन किया है। कृष्ण मोहन, एक्सपेक्टेड लाइन पर है पाकिस्तान का रिएक्शन, इसमें कुछ भी हैरानी की बात नहीं है। पाकिस्तान चाइना का समर्थन हर स्थिति में करेगा लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो चीन की कुछ मदद कर सके, और वैसे भी अगर अमेरिका और चीन आमने सामने जाएंगे तो पाकिस्तान की कहीं किसी भी पक्ष में मिलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल भी बार्गेन के लिए कर रहा है कि वो अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाल दे कि हमें कुछ और पैसे या कुछ और मदद मिल जाए तो हम फिर चीन के समर्थन में न जाएं, उसमें न्यूट्रल रहें। हालांकि चीन जिस दिन चाहेगा उस दिन पाकिस्तान को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चीन का इस समय पाकिस्तान पर पूरी तौर पर कब्जा है। पाकिस्तान की हर पॉलिसी चीन निर्धारित करता है, तो जिस दिन चीन चाहेगा उस दिन पाकिस्तान जो वो चाहेगा वो करेगा। बहरहाल पाकिस्तान जो आज कह रहा है वो सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है उसको, कि वेस्टर्न ब्लॉक उसको थोड़ा सा और कुछ मदद दे, कुछ और उसको लेवरेज दे जिससे वो इस मौके का भी थोड़ा सा फायदा उठा सके। जी, इन सबके बीच देवनाथ साहब, जो सवाल जिस पर हम बात कर रहे थे, यहां कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में रिसेशन आ चुका है ऐसा जानकार मानते हैं। लगातार दो क्वार्टर में वहां पर गिरावट देखने को मिली है इकोनॉमी में, और यह माना जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में फाइनेंशियल हालत जो है इकोनॉमी की खराब हो रही है, और माना जाता है कि युद्ध जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए काफी काम आता है, खासतौर पर जो साम्राज्यवादी देश होते हैं, बड़े देश होते हैं उनके लिए। तो क्या ये जो सारी कवायद है हथियार बेचने की तो नहीं है? अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अमेरिका के जितने उद्योगपति हैं वो चाहते हैं कि कहीं पर युद्ध हो जाए ताकि अमेरिका जो है अपने यहाँ जो हवाई जहाज, टैंक, तोप, गोला बारूद, रसद बना रहा है उनकी पूरी दुनिया में बहुत बिक्री हो। जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से अमेरिका के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो 50% ज्यादा बिकने शुरू हो गए हैं, ना सिर्फ यूक्रेन में वरन दूसरे देशों में भी। बिल्कुल इसी तरह से अगर ताइवान पर खतरे का बादल मंडराता है तो आसपास के जितने लिटरल स्टेट हैं जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इन सबको, मलेशिया, इन सबको भी मजबूरी में अमेरिका से अस्त्र शस्त्र पड़ेंगे। इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। हमेशा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए ख़राब होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ देशों के लिए, कुछ उद्योगों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और वो सारे के सारे वो उद्योग हैं जिनका युद्ध से सीधा वास्ता होता है। अमेरिका उनमें प्रमुख है। अगर लड़ाई शुरू होती है तो उसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा वो बाद में देखना होगा, लेकिन अमेरिका में जो बड़े बड़े वेपन जायंट्स हैं जो कि दरअसल अमेरिका की जो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, उसको ही प्रभावित करते हैं, वो निश्चित तौर पर फायदे में रहेंगे। पिछले एक साल में बहुत कष्ट में यूरोप रहा, और आगे और स्थिति आती जाएगी रूस और